जब अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से पास हुए तो क्या ऑब्जर्व हुआ कि मोर देन 90% अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. इससे समझ में आया कि ना वो नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहे हैं ना वो पॉजिटिव से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वो तो सीधे सीधे चले जा रहे हैं. इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. ना वो अट्रैक्ट हो रहे हैं ना वो रिपेल हो रहे हैं. इससे क्या समझ में आया इसको, इसने क्या कंक्लूजन डिराइव किया कि एटम के अंदर मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी. लेकिन अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंड लार्ज एटम्स. अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंड लार्ज एंगल्स. पर कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो छोटे एंगल से क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए. कुछ अल्फा पार्टिकल से जो बड़े एंगल से भी क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए. सो अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंड लार्ज एंगल. अब अगर वो डिफ्लेक्ट हुए हैं मतलब जाहिर सी बात है कि उनको किसने भगाया होगा, पॉजिटिव चार्ज नहीं भगाया होगा. तो बोला पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि पूरा ही एटम खा लिए. पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह क्या कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है. पहला ऑब्जर्वेशन क्या था कि सारे पार्टिकल्स क्या चले गए, स्ट्रेट. और क्योंकि वो स्ट्रेट गए इसका मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी. जो मोस्ट ऑफ द स्पेस है वो कैसी है, खाली है. अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स और लार्ज एंगल्स. कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ बड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, जिससे हमें क्या समझ में आया कि जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज है तो सही, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है. और इसके अलावा कुछ बहुत कम पार्टिकल्स ऐसे थे जो ऐसे गए और ऐसे आए. देख 90% तो स्ट्रेट ही गए, कुछ छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ बड़े एंगल से, और कुछ रिबाउंड मार गए. रिबाउंड मतलब क्या, यू आए और यू गए. हाँ, बट जो ये रिबाउंड मार रहे थे ये क्या थे, बहुत कम. कितने कम, 1% नहीं, लेस देन 1%, 1 in 20,000, 0.0001%, वो भी नहीं, 0.0005%. तो 1 in 20,000 ऐसे थे जो क्या मार गए, रीबाउंड मार गए, मतलब यूं आए और यूं चले गए. सेम बैक पर्पस चले. हाँ, हाथों हाथ. तो इससे इनको ये समझ में आया कि जरूर क्या है, एटम के अंदर कोई ऐसा पार्टिकल है, कोई ऐसी जगह है जो साला अल्फा पार्टिकल को आने ही नहीं दे रही है. ये बहुत गाढ़ी है, बहुत डेंस है. जैसे दीवार कैसी होती है, डेंस, पट करके बॉल को क्या कर देती है, वापस भेज देती है. तो बोला एटम में कोई बहुत डेंस जगह है जो अल्फा पार्टिकल्स को क्या नहीं करने दे रही है, आने ही नहीं दे रही है. और इस डेंस जगह का नाम इन्होंने क्या दिया, न्यूक्लियस. क्या दिया नाम, अभी तक न्यूट्रॉन्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे. क्या रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट समझ में आया, हाँ कि नहीं. तो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, है ना. सुनो, हम लोग अब क्या करेंगे, ओए हम लोग अब क्या करेंगे बेटा, इसके रदरफोर्ड मॉडल के कंक्लूजंस और ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे. क्यों ऐसे लिखवा रही हूँ बेटा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कंक्लूजन लिखो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऑब्जर्वेशन लिखो. तो बहुत बार बच्चा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और कुछ तो भी लिख कर आ जाता है. तो मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे वो कंफ्यूज बच्चे हों, इसलिए मैं तुमको अच्छे से, शांति से, चैन से, सुकून से क्या कर रही हूँ, इसका ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजंस लिखवा रही हूँ. तो एक तरफ हम लोग हेडिंग डालेंगे क्या, ऑब्जर्वेशंस, और एक तरफ हम लोग हेडिंग क्या डालेंगे, कंक्लूजन. बाद में बता रही हूँ. चलो, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट without any deflection. तो वो तो कहीं इधर गए ना उधर गए, कहाँ चले गए, सीधे. इस बात से हमें क्या समझ में आता है, इस बात से ये कंक्लूजन निकलता है दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम
is empty. Most of the space inside the atom is empty. Second observation क्या था बेटा इसका? A few alpha particles were deflected by large and small angles. A few alpha particles were deflected by large and small angles. तो कुछ अल्फा पार्टिकल थे जो छोटे बड़े एंगल से क्या हुए थे, डिफ्लेक्ट हुए थे. इससे हमें क्या समझ में आता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो सही, बट वो बहुत छोटा सा रीजन ऑक्यूपाई कर रहा है. तो इसको ऑब्जर्वेशन क्या लिखेंगे, दैट पॉजिटिव चार्ज अक्वायर्स अ वेरी स्मॉल स्पेस या फिर रीजन. आई बात समझ में, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है ना. तीन ऑब्जर्वेशन, तीन कंक्लूजन. जितने ऑब्जर्वेशन होंगे उतने ही कंक्लूजन होंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है. तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था बेटा इसका, दैट वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स. वेरी फ्यू मतलब कितने, 1 in 20,000. कुछ कुछ एनसीईआरटी में तो मैं 1 in 12,000 लिखा हुआ भी दिख सकता है, ठीक है. द वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 in 20,000 वर रीबाउंड. मतलब क्या, ऐसे आए और ऐसे गए. आई बात समझ में, ठीक है. तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट देयर इज अ वेरी डेंस रीजन, ठीक है, जिसको रदरफोर्ड ने क्या बोला, न्यूक्लियस. क्या बोला, न्यूक्लियस. दैट डज नॉट अलाउ अल्फा पार्टिकल्स टू एंटर, जो उनको आने ही नहीं देता. डिफ्लेक्शन तो दूर की बात है. इज इट क्लियर टिल हियर? बोलो कोई परेशानी. अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो ऑब्जर्वेशंस थे और जो उसने कंक्लूजंस निकाले, उस बेसिस पे रदरफोर्ड ने क्या करा, अपना मॉडल दिया, ठीक है ना. अब हम लोग को रदरफोर्ड का क्या लिखना है, मॉडल के तीन पोस्टुलेट लिखना है, फिर हम लोग इसका ड्रॉबैक कल पढ़ेंगे, ताकि पहले तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सा मॉडल जाए, फिर हम लोग उसकी कमियां पेश करेंगे. तो जो पहला पोस्टुलेट था रदरफोर्ड के मॉडल का, वो क्या था, दैट देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज, देयर इज अ पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस. तो जो जिसको हमने न्यूक्लियस बोला वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना. द होल मास ऑफ द एटम, द इंटायर मास ऑफ द एटम is concentrated at the nucleus. तो पूरे एटम का मास जो है वो कहाँ पे concentrated रहता है, न्यूक्लियस पे concentrated रहता है. आई बात समझ में. दूसरी बात, the electrons revolve around nucleus in circular paths. जैसे planets revolve करते हैं ना planet के sun के around, वैसे ही जो electrons भी हैं वो क्या करते हैं, revolve करते हैं circular path में. और third postulate था, the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom. तो atom के comparison में nucleus का size क्या है, बहुत ज़्यादा छोटा है. Is it clear? ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है, Rutherford's model of an atom क्या होता है, खत्म. और almost 50% of your chapter is also over. Next class में हम लोग इसका drawback करेंगे और Bohr का model करेंगे.